नजीब, पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग खेलने जा रहे हैं और रिप्रेजेंट करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस कराची किंग्स को, कैसा लग रहा है और कितने प्रिपेयर हैं इस इवेंट के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत एक्साइटेड टू फर्स्ट टाइम PSL खेल रहा हूँ। होता कि पाकिस्तान में हो जाए कराची में, लेकिन COVID-19 की वजह से वहाँ नहीं हुआ, अभी अबू धाबी में हो रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि चैंपियन टीम के साथ खेल रहा हूँ। कराची किंग्स की खास बात आपको क्या लगती है? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली PSL बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मेरा एम भी था, ख्वाब भी था कि PSL में खेलूँ। बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे भी, वन ऑफ द बेस्ट लीग ये भी होता है दुनिया में। तो खासकर मैं बाबर आजम का फैन हूँ, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत उससे बातें करूंगा। मार्टिन गप्टल है, आमिर है, इमाद है, तो सब बड़े बड़े यहाँ प्लेयर है, तो इसको बहुत सीखने को मिलेगा इस लोगों से, इस प्लेयर से। वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है जो कि मेंटोर साबित हुए हैं, कराची किंग्स के प्रेसिडेंट तो हैं ही, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ कराची किंग्स में शामिल हो गए, तो क्या हम डिफेंड कर पाएंगे इस दफा टाइटल या थोड़ी मुश्किलात होंगी? इंशाल्लाह, अभी तो हमारा टीम टॉप है, तो वसीम भाई के साथ तो मैं 2 साल T10 में भी खेला हूँ, वो हमारे कोच था T10 में मराठा अरेबियन का, तो वो मुझे बहुत लाइक करता है, उसको मेरा बैटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके कोचिंग में, अर्शल गिब्स की कोचिंग में इंशाल्लाह हम टाइटल का दिफा करेंगे। बेस्ट प्लेयर वही होता है जो हर मौसम में खेल सके, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो। जी बिल्कुल, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है अबू धाबी में, लेकिन हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हम ये माइंड नहीं करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या नहीं है। हम एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हम खेलेंगे यहाँ पे, हम इंजॉय करेंगे मैचेस को और इंशाल्लाह जीत के अपने टाइटल का दिफा करेंगे। दुनिया भर से खेल कर आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं दीगर लीग्स में और पाकिस्तान सुपर लीग में? बिल्कुल, सब लीग खेल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने देखा है, मैं बहुत सालों से PSL फॉलो कर रहा हूँ। सबसे क्वालिटी जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग में जो मुझे पसंद है वो फास्ट बॉलिंग का है यहाँ पे, तो यहाँ के फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छे है, बहुत तेज तेज बॉलर यहाँ पे, तो खुद भी उसको फेस करना बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह मैचेस में। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का PSL का जो है ना क्वालिटी और जो बॉलिंग अटैक है फर्स्ट बॉलिंग का, ये सबसे बेस्ट है। जी बताइएगा, अफगानिस्तान में क्रिकेट कितनी डेवलप हो चुकी है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं आप, तो अभी क्या चाहते हैं, कभी माइंडसेट आपका बना कि यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में क्रिकेट शुरू करें ताकि दो तरफा भी क्रिकेट की बहाली हो जाए? जी बिल्कुल, फर्स्ट तो अफगानिस्तान में क्रिकेट बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, जिस घर में 2-3 बंदे हो उसमें 2 तो खा मखा क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा हो गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अकेडमीज बने हैं। अभी हमारे हर प्रोविंस में इंटरनेशनल लेवल की ग्राउंड बन रहे हैं, अभी बहुत सिकाबल में नया स्टेडियम बन रहा है, जिस तरह बहुत बड़ा स्टेडियम है वहाँ पे, 30-40 हज़ार लोग उस ग्राउंड पे आएगा, कैपेसिटी है वहाँ का, तो बहुत हमारे क्रिकेट स्कूल लेवल से अभी शुरू हुआ है, पिछले 1-1.5 साल से स्कूल लेवल है, हमारा कॉलेज की टीमें है, उसके अलावा हमारे अकेडमी है, हमारे डेवलपमेंट बहुत काम कर रहे हैं इस पे, तो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ज़रूर सीरीज होना चाहिए, फ्रेंडली सीरीज होना चाहिए। आपका PM जो अफगानिस्तान आया था इमरान खान, तो अमान ने उसको बोल भी दिया था और रिक्वेस्ट किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक सीरीज होना चाहिए, फ्रेंडली सीरीज होना चाहिए, दुबई में होना चाहिए, पाकिस्तान में जिधर भी हो, लेकिन सीरीज होना चाहिए, इसमें दोनों कंट्रीज का रवाबित बन जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मुल्कों का सीरीज हो जाए। पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी जो अफगानिस्तान में मकबूल है? पाकिस्तान का पहले तो शायद बहुत शायद अफरीदी बहुत फेमस था, अभी बाबर आ गया, सब लोग जो भी नया बैट्समैन है उसको फॉलो करता है, स्पेशली मैं भी बाबर का फैन हूँ, जिस तरह वो खेलता है, तो बहुत से लोग बाबर को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह अभी वो परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बाबर ही है।